हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका ज्योतिरंजन सेनापति। मैं आपको वेलकम करता हूं कहां पे, बानिक स्मार्ट क्लास में। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे काउंटिंग फिगर के ऊपर। क्लियर, ये एसएससी लेवल के एग्जाम में डेफिनेटली एक मार्क आता है। तो यहां पे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्क्वायर के ऊपर आता है, रेक्टेंगल के ऊपर आता है, देन ट्रायंगल के ऊपर आता है, और आपका क्यूब और डाइस में भी पूछता है ये क्वेश्चन, पैरेललोग्राम भी पूछता है। तो लेकिन आज हम लोग यहां पे सिर्फ हैं किस लिए, डिस्कशन करेंगे आज काउंटिंग फिगर ऑफ ट्रायंगल। क्या डिस्कशन करेंगे आज, काउंटिंग फिगर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन आज हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत बार देखे होंगे एसएससी के एग्जाम में, एसएससी लेवल के एग्जाम में। तो यहाँ पे जो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, बेसिकली ये फिगर में कितने ट्रायंगल हैं या इस पैटर्न ऑफ फिगर में कितने ट्रायंगल हो सकते हैं, उस को जानने के लिए हम यहाँ पर हैं आज। तो क्लियर, तो यहाँ पे पहले चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास तीन मेथड है या तीन प्रोसेस है। तो क्या क्या है वो प्रोसेस पहले देख लीजिए, उसके बाद चलेंगे वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने उसको क्या किया, जो तीन प्रोसेस जो है, मैंने वो तीन प्रोसेस को टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला टाइप आप लोग देख लीजिए, पहला टाइप क्या है, एक टेबल मेथड वाला। दूसरा टाइप क्या है हम लोगों के पास, यूजिंग बेस्ट मेथड। एंड द थर्ड वाला जो है यूजिंग फॉर्मूला करके। तो तीनों में आंसर सेम आएगा, लेकिन ये तीनों प्रोसेस में लेके आया हूं या तीनों कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं आप लोगों के लिए, इसलिए क्योंकि आप अगर एक में फेल हो जाते हैं तो दूसरा यूज कर सकते हैं, अगर दूसरा में फेल हो सकते हैं या थर्ड वन भी आप यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत सारे ऑप्शन में दे दूंगा तो उस ऑप्शन से जो आपको बेस्ट लगे आप वहां पे चूज कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग चलते हैं पहले टाइप वन पे। देखिए मेरे पास एक टेबल है, वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस करके लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ ट्रायंगल करके। क्लियर, अब माइंड में आता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस। क्लियर, और इसको डिस्कशन करना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि आप लोगों को पता है नंबर्स ऑफ ट्रायंगल मतलब यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं 1, 5 देन 13 देन 27 देन 48 देन 78 118 170 करके लिखा हुआ, दैट मीन्स नंबर्स ऑफ ट्रायंगल आएंगे। लेकिन आपका कंफ्यूजन यहाँ पे होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस। क्लियर, तो चलिए मैं एक दिखाता हूँ आपको फिगर, वहां पे मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस। देखिए ये मेरा जो फिगर है, यहाँ पे कितने बेस हैं हम लोगों को पहले फाइंड आउट करना होगा। उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि मेरा बेस नंबर इतना है तो उसके अकॉर्डिंग टू मेरा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना निकलेगा। क्लियर, तो चलिए बेस काउंट करते हैं। तो ये है मेरा पहला बेस, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेस कितने हैं, तीन है या थ्री है, तो उसके अकॉर्डिंग तो देखिए मेरे बेस वाला टेबल में यहां पे एक जगह पे थ्री लिखा हुआ है। क्लियर, तो उस थ्री के रिलेटेड कितना लिखा हुआ है, देखिए 13। तो कितना लिखा हुआ है यहां पे 13। तो दैट मींस जब मेरे पास बेस रहेगा थ्री तो नंबर्स ऑफ ट्रायंगल मेरा कितने आएंगे, यहां पे 13 करके नंबर्स ऑफ ट्रायंगल आएंगे। तो यहां पे देखिए हम लोगों को काउंट करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो टॉपिक है वो काउंटिंग फिगर में है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं यहां पे काउंट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि काउंट अगर करते हैं तो ये छोटा सा है तो निकल जाएगा, लेकिन अगर बेस बड़ा हुआ दैट मींस जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक भी आ सकता है, अगर ऐसा कुछ बेस रहा देन हम लोग काउंट करते करते तो हम लोग का एग्जाम तो निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, एक बेस मेथड या एक टेबल मेथड लेके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन डिसाइड कर लेंगे या हम लोग का जो नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इजी मेथड है ये सबसे। क्लियर, अब दिमाग में आता होगा अगर मेरे पास 4 बेस है तो कितना आया होगा, तो 27 आएगा। अगर 5 बेस है तो कितना आएगा, 48 आएगा। अगर 6 बेस है तो 78 आएगा। अगर 7 बेस है तो 118 आएगा। अगर 8 बेस है मेरे पास तो 170 करके आएगा। इसमें देखिए 1 पे 1 आएगा, 2 पे कितना आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा। क्लियर, ये अगर आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में कहीं पर भी आप नहीं फंसेंगे। क्यों, देखिए अब फिगर देखेंगे, बेस फाइंड आउट कीजिए कितना नंबर बेस है या कितना टाइप ऑफ बेस है, उसके बाद चलिए आंसर कितना आ गया। क्लियर, अगर यहां पे भी अगर आप दिमाग में ये नहीं रहता है टेबल, देन मैं लेके आया हूं दूसरा मेथड। अगर दूसरा मेथड भी नहीं रहता है माइंड में, देन मैं लेके आया हूं थर्ड मेथड, क्या है, फॉर्मूला वाला। चलिए ये सबसे इजियर मेथड है, इसको याद कर लेना। अगर याद नहीं रहता है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लेके आया हूं। क्लियर, चलिए देखते हैं उसके ऊपर एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसा है बेस मेथड में क्या क्या आता है।
चलिए तो चलिए मैंने पहले वाला ऐसा दे दिया। तो यहां पे देखिए बेस मेरा कितना है, बेस मेरा 2 है, ये है फर्स्ट बेस, ये है सेकंड बेस। तो कितना आना चाहिए मेरे पास, एग्जैक्टली मेरे पास कितना आना चाहिए, बेस अगर 2 है तो मेरे पास 5 ट्रायंगल आएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिए देखता है और एक एग्जाम्पल ले लेते। देखिए ये आ गया, ये मेरा बेस कितना है, 3 वाला बेस है। देखिए 1, ये मेरा कितना वाला बेस है, 1 2 3। तो 1 2 3 में कितना आएगा, देखिए आ गया 13 करके, 3 में हम लोग कितना लिखे थे, 13 करके लिखे थे। क्लियर। ये दो एग्जांपल क्या, और एक हाई लेवल वाला देख लेते हैं, इससे ज्यादा वाला। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। हम लोग देखिए यहां पे बेस कितना है, बेस है 1 2 3 4। तो कितना बेस है मेरे पास, 4 बेस है। तो 4 बेस में कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। देखिए आ गया मेरे पास 4 बेस में कितना है, 27 करके है। अगर 5 बेस आता है तो सिमिलरली इसका फिगर कैसे बनेगा, और एक बेस यहां पे बढ़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं कि 5 में कितना होगा, 6 में कितना होगा, 7 में कितना होगा, 8 में कितना होगा। देखिए मैंने 8 तक ही लिखा है। क्यों लिखा है मैंने 8 तक, क्योंकि 8 के बाद एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, मैक्सिमम 6 या 7 तक वो पूछता है। तो लेकिन मैंने 8 तक लिया हुआ है, बिकॉज अब अगर आपका क्वेश्चन में आ जाता है देन आप लोग और टेबल मेथड में आप बना सकते हैं क्वेश्चन। अगर कहीं पे 9 10 आ गया तो टेबल मेथड में वहां पे निकल सकता है, लेकिन उसके बेटर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकेंड मेथड यूज कर सकते हैं या फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। कंफर्म कंफर्म हो गया आप लोगों का कैसे निकलता है, इजी। क्लियर। कहां पे, टेबल मेथड में। कुछ याद नहीं करना, सिर्फ टेबल याद करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्लियर। अब चलते हैं कहां पे, टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या क्या है या किस तरह से होगा ये क्वेश्चन देखते हैं आगे। टाइप 2 में देखिए यूजिंग बेस मेथड करके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है। ये आ गया हम लोगों के पास क्वेश्चन, और यहां पे वो पूछ रहा है कि कितना ट्रायंगल होना चाहिए। तो हम लोगों को पता है ये बेस कितना है, 2 बेस है। तो उसके अकॉर्डिंग लो हम लोग को आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन ये जो बेस मेथड है वो टेबल मेथड में हम लोगों को पता था, लेकिन बेस मेथड में कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो मैंने नंबरिंग किया, मेरा पहला बेस है ये दूसरा बेस। तो सिंपली मैंने यहां पे लिखा क्या है, बेस करके लिखा हुआ है। देखिए बेस 1 लिखा, बेस 2 लिखा। देखिए ऑलवेज 1 के बगल में 1 ही लिखिए, क्योंकि 1 के बगल में 1 लिखिए, क्रॉस एडिशन कीजिए किसके साथ, 2 बेस के साथ। तो क्रॉस अगर एडिशन में कर रहा हूं तो देखिए क्रॉस एडिशन में कितना आ रहा है मेरे पास, 3 करके आ रहा है। यस, आ गया मेरे पास वैल्यू 3। अब देखिए और तो बेस हम लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए यहीं पे एंड करते हैं इसको। अब ये दोनों नंबर को ऐड करते हैं, दोनों नंबर कितना आ गया मेरे पास, 3 और 1 मिलके कितना आ गया, 4 आ गया मेरे पास। लेकिन नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 5 है। तो लेकिन यहां पे हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या है, 5 कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग बटन से काउंट करेंगे 1 by 1 स्किप करके। एक स्किप करेंगे उसके ऊपर वाला पकड़ेंगे, फिर से स्किप करेंगे फिर से ऊपर वाला पकड़ेंगे। क्लियर। तो देखिए मैंने 3 को स्किप किया तो 1 को पकड़ा, तो यहां पे प्लस 1 कीजिए, 8 कर दीजिए, निकल गया मेरा 5 करके। कंफर्म समझ में आ गया कि क्या है हम लोग का बेस मेथड। यहाँ पे बेस को लेके क्रॉस करके हम लोग एडिशन करके फिर से एडिशन करके स्किप करके, मतलब बटन से एक स्किप करके एडिशन करके निकाल रहे हैं 5। क्लियर। तो उसके ऊपर और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो इजियर रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। चलिए देखते हैं, ये आ गया मेरा दूसरा एग्जांपल। देखिए यहाँ पे कितना बेस है मेरे पास, यहाँ पे 5 बेस है, 1 बेस 2 बेस 3 बेस, 1 2 3 बेस है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे 1 2 3। मैंने क्या बोला था, 1 के बगल में ऑलवेज 1 लिखिए, 1 बेस का रिजल्ट जो आएगा उसके 2 बेस के साथ एडिशन कीजिए, 3 आएगा। सिमिलरली 2 का बेस का जो रिजल्ट निकलेगा उसको बेस 3 के साथ ऐड कीजिए, निकल गया कितना आ गया, ये आ गया 6। क्लियर। इसको ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आएगा एडिशन वैल्यू मेरा, 10 आएगा मेरा वैल्यू। क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, बटन से एक छोड़ के हम लोगों को कंसीडर करना है। बटन से अगर छोड़ दिया मैंने तो 6 को कंसीडर नहीं करना है, तो 3 को कंसीडर करना है, उसके ऊपर वाला भी छोड़ देना है। तो कितना आ गया मेरे पास, 3। तो ऐड कीजिए 3, आ गया वैल्यू मेरे पास 13। देखिए मैंने प्रीवियस में भी 13 प्रूव किया था, कहां पे, टेबल में। यहां पे देखिए बेस मेथड में भी मैंने 13 प्रूव कर लिया। क्लियर, गट इट, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल दिखाता हूं, उससे थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं। क्लियर। आ गया देखिए मेरे पास यहाँ पे कितना बेस है, बेस 1 बेस 2 बेस 3 बेस 4 है। टोटल कितना बेस है, 4 बेस है। तो लिखिए 1 2 3 4 करके मैंने लिखा। क्लियर। अब मैंने क्या बोला था, 1 के बगल में ऑलवेज 1 लिखिए, इसका रिजल्ट जो आएगा उसको 2 के साथ ऐड कीजिए, टोटल आ गया 3। 3 के साथ 3 में ऐड करूंगा, आ गया कितना करके, 6 आ गया मेरे पास। क्लियर। अब 6 के साथ 4 ऐड करूंगा, कितना आ गया मेरे पास, 10। क्लियर। अब इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा मेरे पास वैल्यू, 20। क्लियर। अब चलिए मैंने क्या बोला था, बटन से एक छोड़ के हम लोगों को ऐड करना है। तो बटन से मैंने किसको क्रॉस किया, 10 को छोड़ दिया, 6 को लिया, 3 को छोड़ा, देन किसको लिया,
वन को लिया, तो इन दोनों का एडिशन कितना निकला 7, तो 8 कीजिए 7, निकल गया मेरे पास वैल्यू कितना करके 27 करके। क्लियर आया समझ में मेरा बात? देखिए हम लोग जितना जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, ये भी बहुत इजी मेथड है, सिर्फ आपको माइंड में रखना है कि ये क्रॉस एडिशन हो रहा है, सिर्फ इसको माइंड में रखना है क्रॉस एडिशन हो रहा है। देन बटन से एक छोड़ के या स्किप करके पहला वाला दूसरे को लेंगे, अगर थर्ड वाला है थर्ड को स्किप करके फोर्थ वाला लेंगे, अगर फिफ्थ अगर सिक्स है तो फिफ्थ को क्या करेंगे स्किप करके सिक्स वाला कंसिडर करेंगे। क्लियर, ये भी मेथड इजी है, लेकिन टेबल मेथड में क्या होगा आपको सिर्फ टेबल याद करना है, लेकिन इसमें याद करने वाला कोई चीज नहीं, ये क्या है ये प्योर बेस कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको ये मेथड यूज करना है। क्लियर, अब चलते हैं देखिए फॉर्मूला पे चलते हैं, देखिए फॉर्मूला में कैसे निकलता है वो वाला कंडीशन। चलिए मेरे पास फॉर्मूला में है, देखिए मेरा फॉर्मूला आ गया, क्या मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है देखिए काउंट करने के लिए, जो ट्रायंगल काउंट करने के लिए बी ब्रैकेट में देखिए बी प्लस टू लिखा हुआ है, यहां पे मल्टीपल है, फिर से ब्रैकेट है 2b+1, तो यहां पे डिवाइडेड बाय 8 है। यहां पे माइंड में आता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी, बी का मतलब होता है बेस, बी का मतलब क्या होता है बेस। तो यहां पे देखिए जितने भी हम मैं टाइप लेके आया हूं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, यहां पे हर जगह में एक चीज कॉमन है हम लोगों का, क्या वो है बेस। लेकिन पहले मैंने टेबल मेथड में पढ़ा है, क्योंकि वहां पे भी बेस निकालना हम लोग को बहुत जरूरी है, देन हम लोग पता कर सकते हैं कि नंबर्स ऑफ ट्रायंगल कितना है। सेकंड वाला मैंने क्या बताया, यूजिंग बेस मेथड, मतलब बेस के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, क्योंकि बेस को हम लोग क्या कर रहे हैं क्रॉस एडिशन कर रहे हैं। क्लियर, यहां पे आ गया फॉर्मूला, फॉर्मूला में भी हम लोगों को बेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या। क्लियर, तो चलिए मेरा फॉर्मूला आपके सामने आ गया, क्या मैंने फॉर्मूला बोला देखिए और एक बार बोल देता हूं, बेस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए कितना बेस प्लस टू, उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2b+1 और डिवाइड कर दीजिए 8 के साथ। लेकिन ये फॉर्मूला में एक दिक्कत है, लेकिन ये फॉर्मूला में एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है देखिए इसमें क्या है, जितने जहां पे सारे मेरे वैल्यू जो है, जो सारे के सारे मेरे वैल्यू जो ऑड नंबर पे आएंगे, मतलब ऑड नंबर बेस में जो आएंगे, जो मेरे बेस सारे ऑड नंबर पे आएंगे, उसमें क्या आएगा मेरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकता है। मेरा जितने सारे ऑड नंबर पे बेस आएंगे वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा करके आएगा, तो वहां पे उसको हम लोग को कंसिडर नहीं करना है। कहां पे नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, मैं आगे चल के दिखा दूंगा। देखिए जहां पे हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं ना कहीं पे ड्रॉबैक रहता ही रहता है, तो यहां पे ड्रॉबैक नहीं है, लेकिन उसको हम लोग अगर कंसीडर करेंगे देन आपके दिमाग में रहेगा कि ये कैसे हो गया। तो इसलिए मैं पहले से क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, ये जो फॉर्मूला है ये इवन पे एग्जैक्ट दिखाएगा, लेकिन जहां पे आप लोग जाएंगे कहां पे ऑड नंबर पे जाएंगे, वहां पे थोड़ा सा आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर, तो चलिए देख लेते हैं कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कहां पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में ये बात ना आए, भाई ये आपको कंफ्यूजन में ना डाले। क्लियर, चलिए देखते हैं क्या मेरे पास है एग्जांपल्स, चलिए सेम एग्जांपल लेते हैं, चलिए चलते हैं, क्या आ गया देखिए ये आ गया, तो यहां पे मेरा बेस आ गया। क्लियर, तो बेस यहां पे कितना है वन, और सॉरी कितना कितना है वन और टू करके बेस है मेरा। क्लियर, तो चलिए देखते हैं मेरे पास फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला आ गया मेरे सामने, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं क्या लिखा है, बेस कितना है टू है, तो क्या आ जाएगा मेरा टू मल्टीप्लाई होगा 2+2 के साथ, अगेन मल्टीप्लाई होगा इसके 2 बेस, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2+1 करके होगा और इतना आ जाएगा बाई 8 करके। क्लियर, अब इसको ये कीजिए सॉल्व कीजिए, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये टोटल आ गया 4, ये 4 मल्टीप्लाई आ जाएगा किसके साथ 2 के साथ, तो 8 आ गया, ये क्रॉस हो गया कितना है, ये आ गया 2 1 5, बाई कीजिए, ये बाई कीजिए कितना करके, बाई कीजिए 8, तो 8 काट दीजिए, तो टोटल वैल्यू आ गया मेरे पास 5। तो ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग देख के आ चुके हैं जहां पे बेस 2 है वहां पे ऑलवेज 5 निकलता है। क्लियर, तो यहां पे भी मैंने प्रूव कर दिया 5 करके, और उससे ज्यादा अगर निकलता है दैट मींस ये देखिए बेस जो था यहां पे, देखिए मेरा जो बेस जो था वो बेस यहां पे था 1 और 2 पे था, मतलब कुल मिला के कितना बेस है मेरा 2 बेस है, तो दैट मींस ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन है मेरे पास, लेकिन जहां पे ऑड आएगा क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। क्लियर, चलिए देखते हैं ऑड वाला एक ले लेंगे, आ गया मेरे पास ऑड वाला, देखिए यहां पे अगर ऑड वाला आ रहा है तो कितना बेस आ गया 1 2 3 करके, 1 2 3 करके 3 बेस आया मेरे पास, तो इसका फॉर्मूला जो है यूज कीजिए, तो 3 × कितना हो जाएगा 3+2 3+2 आ जाएगा, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई कितना करूंगा 2 3+1 करूंगा, बाई कितना मैं करूंगा बाई 8 के साथ करूंगा, अब इसको लीजिए कितना आ रहा है देखते हैं, ये देखिए ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया 5 5 3 = 15, क्रॉस कीजिए इसको कितने साथ, ये देखिए 6 आ गया, प्लस 7 कीजिए इसको,
देन बाई 8 कीजिए। अब देखिए, अब जो ये है ये फ्रैक्शन में आएगा क्या, मतलब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, क्लियर? एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 15 सेवन जा कितना आ रहा है, 15 सेवन जा मेरा कितना जा 105 आएगा, 105 बाई 8 अगर करता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितना आना चाहिए, 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा, 13 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा मेरे पास, क्लियर? कितना आना चाहिए वैल्यू मेरे पास, 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए क्योंकि 13 एक जा कितना आ रहा है, 13 एक जा मेरे पास आ रहा है 104 करके, तो देखिए 1 कैरी कर रहा है या तो उस कैरी को हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं हो कैरी को कंसीडर करने के लिए। अब मेरे पास वैल्यू 13 आ गया। देखिए इसमें ड्रॉबैक यही है कि जहां पे ऑड नंबर पे आएगा वहां पे कुछ कैरी रहेगा, उस कैरी को हम लोगों को हटा देना है, वो कैरी को कंसीडर नहीं करना है, लेकिन जहां पे इवन रहेगा वहां पे कोई कैरी नहीं आएगा, वहां पे एग्जैक्ट फिगर आपका निकल जाएगा या एग्जैक्ट वैल्यू आपका निकल जाएगा, क्लियर? ड्रॉबैक जो था मैंने वहां पे बता दिया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे 13 मैंने प्रूव कर लिया, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कितना आता है उसमें, चलिए देखते हैं। एग्जांपल आ गया मेरे पास, देखिए 4 बेस वाला, तो यहां पे कितना बेस है, बेस 1 बेस 2 बेस 3 बेस 4, चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 4 इंटू 4 प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए 24 प्लस 1 हो जाएगा बाई कितना आ जाएगा 8 करके बाई आएगा, क्लियर? अब देखिए यहां पे 4 ये कितना आ जाएगा 6, तो टोटल लिख दीजिए यहां पे 24 करके, टोटल मैंने लिख दिया 24, ये कितना आ गया 6 सॉरी 8 प्लस 1 9 आ गया, बाई कितना आ गया करके देखिए बाई 8, इसको काट दीजिए, इसको काटने के बाद कितना वैल्यू आएगा, वैल्यू आ जाएगा 3 9 जा कितना आ गया 27, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं 4 का कितना आ रहा है 27 करके आ रहा है, क्लियर? निकल गया आप लोगों का 27, मैंने प्रूव कर दिया। तो देखिए मैंने जो बोला था इवेंट में जहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए यहां पे इवेंट बेस है, बेस कितना है यहां पे 4 है, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई भी कैरी नहीं आया हम लोगों के पास, लेकिन जहां पे ऑड पे जाएंगे वहां पे डेफिनेटली कैरी आएगा, तो उस कैरी को हम लोगों को हटाना है, जो आएगा उसको लेना है, क्लियर? आया समझ में? तो आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे, और यहाँ पे जितने सारे डाउट्स थे आप लोगों का, और आई होप सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों का। तो सिमिलरली हम लोग या मैं ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते आऊँगा आप लोगों के सामने, कहाँ से, थ्रू अ बानी स्मार्ट क्लास से। तो आप लोग एंजॉय कीजिए।